हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं अपडेट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वावे के न्यू हाफ लॉन्च के बारे में। हाफ लॉन्च इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वावे ने नहीं बताया इसका प्राइस और फोन को कर दिया अनाउंस। तो वावे ने लॉन्च किया है वावे का 59 2019, जबकि 2019 अभी आया भी नहीं, 18 चल रहा है यार, कमाल बात है। तो आज मैं बात करने वाला हूं आपसे इसी फोन के बारे में। आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को देखिएगा पूरा, कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसी वीडियो जब आपको बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप देख पाए मेरी वीडियो सबसे पहले। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और बिना देरी के बताता हूं मैं आपको इस फोन की एप्लीकेशन। सबसे पहले बात कर ले डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले आपको मिलता है TFT डिस्प्ले, जो फुल HD के साथ आता है, 18:9 के साथ आता है, और 3D कर्व वाला डिजाइन है इसका, जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2340। और बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर इसमें आपको मिलता है वावे का क्रीन 710, जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.2 की, और ऑक्टा कोर बेस्ड प्रोसेसर है ये। सही बात बताऊं तो क्रीन के प्रोसेसर वाकई ही बहुत अच्छे हैं, और इनकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, और वावे के फ़ोन के अलावा आप कहीं मिलेंगे, क्योंकि ये है वावे का अपना खुद का प्रोसेसर, और इसके साथ आपको मिलती है बढ़िया परफॉर्मेंस। और बात करें भैया कैमरे की, तो कैमरे इसमें आपको मिल जाते हैं चार। जी हाँ भैया, इसमें आपको चार कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें से दो कैमरे हैं फ्रंट पर सेल्फी लवर्स के लिए 16+2 मेगापिक्सल का, और रियर पर भी है इसका डुअल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें आपको मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का सेंसर। और जिसके बारे में बात करूँ तो 2 मेगापिक्सल वाला जो सीन है ना, ये 16+2 हो चाहे 13+2 हो 12+2 हो, तो ये ना सही से काम करता नहीं है, पोर्ट्रेट मोड वगैरह इतनी बढ़िया तरीके बना नहीं पाता। इसकी जगह अगर वो 5 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। और बात करें इसके OS की, तो OS इसमें आपको मिलता है EMUI 8.2, जो बेस्ड है एंड्रॉयड ओरियो यानी 8.1 पर ये बेस्ड है। सिक्योरिटी के लिए वावे ने बताया इसके फिंगरप्रिंट के बारे में। जी हाँ, इसका फिंगरप्रिंट वावे कहता है कि 4.0 आइडेंटिफिकेशन के साथ आता है, जिसकी स्पीड है 0.3 सेकेंड में ये अनलॉक हो जाएगा आपके फ़ोन में। ऐसा फिंगरप्रिंट स्कैनर सोचो यार, 0.3 सेकेंड उंगली लगाई हो जाएगी, फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें दिया गया है। प्लस इसमें एक और एडिशनल फीचर है, जिसे कहते हैं फिंगरप्रिंट नेविगेशन, वो भी इसमें आपको दिया गया है। और बात करें इसकी स्टोरेज के बारे में, तो स्टोरेज में आपको मिलता है 6 GB की रैम, और उसके अलावा आपको मिलती है 128 GB की स्टोरेज, और इसी के साथ फ़ोन में आपको मिल जाती है 4000 mAh की बड़ी बैटरी। मतलब आपके फ़ोन के बैटरी बैकअप अच्छा होने वाला है, सुबह कर लो चार्ज और शाम तक टहलते रहो, आपको नहीं होगी बैटरी की कोई दिक्कत। और बात करें इसकी प्राइस की, तो प्राइस के बारे में वावे ने भी कुछ नहीं बताया है, क्योंकि हो सकता है अलग अलग कंट्रीज़ में इसका अलग अलग प्राइस हो, इंडिया के लिए कुछ और, चाइना के लिए कुछ और, पाकिस्तान के लिए कुछ और, अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग प्राइस इसका हो सकता है। तो जब इंडिया में ये फ़ोन आएगा तब इसकी प्राइस आपको मालूम पड़ेगी। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो कीजिए लाइक शेयर, एंड मेरे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरी वीडियोज़ आपको ऐसे मिलती रहे और आपका प्यार मुझे मिलता रहे, मैं आपके लिए ऐसी ही नई वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।